जाती है, मेरे परिवार की तस्वीरें खींच के उसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है, उनको भी घसीटा जाता है, उनको गालियां देके अपमानित करा जाता है, मुझे धमकियां भी दी है। तो मैं गालियां भी खा लूंगा, सारी चीज कर लूंगा, भाजपा शाम दाम दंड भेद लगा ले, भाजपा ईबी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सब लगा ले, चंद्रशेखर बहुजन समाज को छोड़ने से नहीं रुकेगा किसी भी सूरत में, भाजपा की सत्ता से बेदखली हम करा के रहेंगे, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और हमें अपना कोई राजनीतिक लालच नहीं है। अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपने मुझे सुना, आप लोगों के बीच से जाने की इजाजत चाहूंगा, फिर कभी मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए फिर आपके बीच आऊंगा, कोई किसी का कोई एक आदर्श कोई सवाल हो तो उसके लिए, लेकिन फिर ये बात आ जाएगी भाई मेरे सवाल का जवाब दिया। कल मैं यहाँ से जाऊंगा और पहले मैंने आपके माध्यम से बात चली जाएगी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय को, तो उनसे नहीं संभल रहा है देश, उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा, तो कुर्सियां खाली करते हैं और हम बढ़कर अदरवाइज, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, तो अपने संविधान की कॉपी और बाबा साहब का चित्र लेकर कल अयोध्या जाऊंगा साकेत, और वहां के डीएम को दिखाऊंगा कि आपको ये नौकरी मिली हुई है लोगों की सुरक्षा करने के लिए, स्कूल कुर्सी से बाहर निकलिए और जाके लोगों को इस प्रदेश में सुरक्षा का माहौल दीजिए, वहां का अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज इस तरह ड्राव आज प्लान कर रहा है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। शेखर वहाँ पे आप बुद्ध मंदिर की बात भी उठाएंगे अलग से? जी ये बौद्ध मंदिर इसलिए है ना, जब वहाँ सबकी हिस्सेदारी है तो फिर कोई अकेला आदमी किस तरह से कह सकता है कि ये हमारे निजी कार्य से बनेगा, नहीं होगा, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तब तक वहाँ कुछ नहीं होने देगा। आप विवादित स्थल की बात कर रहे हैं या फिर अयोध्या में कहीं भी? नहीं विवादित स्थल की बात कर रहा हूँ, उस पर क्लेम किया बुद्धिस्ट लोगों ने कि वो वहाँ वो साकेत है, जब आप उसे पुराने उसमें देखोगे ऐतिहासिक दृष्टि में साकेत है, अयोध्या पहले साकेत थी, खुदाई में निकली हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली है वहाँ से, तो हम जाएंगे वहाँ, वहाँ के डीएम को बताएंगे देश कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, सरकारी जो कर्मचारी सरकारी अधिकारी वो अपने आप को सरकार का एजेंट ना समझे, वो लोकतंत्र में जनता के नौकर है, उनको याद रहना चाहिए, इसी की तनख्वाह लोग लेते हैं। तो ये बात कल आप डीएम के सामने रखेंगे? जी मैं बहुजनों की स्वतंत्र आवाज हूँ, मैं बिना किसी को दबे भी किसी बात को रखे हुए बिना किसी से डरे हुए, ना मुझे किसी वोट की चिंता, मैं अपनी बात को जिम्मेदार से कह सकता हूँ। सर वहाँ पर अयोध्या में अभी तक किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर? अब ये तो समय बताएगा, मैं कल जाऊंगा, देखते हैं कौन लोग थे, मैंने घोषणा की कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले घोषणा कर रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ, और लोकतंत्र में अधिकार है जनाब सबको कहीं जाने का, कौन कैसे रोक सकता है? उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अहिंसात्मक होगा। बिल्कुल हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम संविधान को पालन करते हैं, मैं संविधान लेके जा रहा हूँ तो हिंसा करने नहीं जा रहा हूँ, जो हिंसा होने वाली उसको रोकने जा रहा हूँ, जो सुनियोजित हिंसा की तैयारी कर ली गई हथियार वहां भेजे गए, मैं इस देश के लोगों को मरने नहीं दूंगा, ये देश हमारा देश, जब लोकतंत्र लोगों से होता है, जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसा लोकतंत्र? अयोध्या में भीम आर्मी की कोई टीम है क्या? जी अयोध्या में भीम आर्मी की टीम, साकेत में भीम आर्मी की टीम है, अब तो ये नाम बदल रहे हैं, तो अयोध्या का नाम बदल के साकेत कीजिए, पता तो लगे सब लोग, चलिए धन्यवाद।